साप्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। खुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के नौरंगिया गांव में बुधवार रात करीब 10 बजे कुएं पर रखा स्लैब टूटकर गिरने से 22 लोग कुएं में गिर गए। हादसे में 2 महिलाओं और 9 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत। घटना के समय सभी लोग एक परिवार में हल्दी की रस्म के उत्सव में चल रहा डांस देख रहे थे। कई तानों की फोर्स रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। कुएं से बाकी लोगों को निकाला जा रहा है। बच्चों व महिलाओं की मृत्यु की सूचना को लेकर पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। मौके पर पहुंचे डीएम व एसपी भी पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि मृतकों की संख्या और अधिक हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी जनपद कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में कुएं में गिरने की दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर बचाव व राहत कार्य संचालित करने तथा हादसे में घायल लोगों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा, कुशीनगर में हुए दुखद हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की ओर से 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। रिपोर्ट रिंकेश मिश्रा के द्वारा। आपको दिखा दिया जाए कि कुएं के अंदर राहत बचाव कार्य का काम चल रहा है। सीढ़ी लगा करके लोगों को निकाला जा रहा है। कुएं से शौचालय साफ करने वाली मशीन से पानी भी निकाला गया है और इसके अंदर अभी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके लिए लोग घुसे हुए हैं अंदर। और यहाँ पे पुलिस के जवान तैनात। पूरी जानकारी क्या मिली है? एक दुखद हादसा हुआ, ये नौरंगिया टोला गांव में एक पुराना कुआं था जो पहले से स्लैब से ढका था। उसके ऊपर कुछ महिलाएं और बच्चे बैठे थे। एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें वजन ज़्यादा होने के कारण वो स्लैब टूट गया और उसके ऊपर जितने लोग बैठे थे सब लोग कुएं के अंदर चले गए और मलबा उनके ऊपर गिर गया था और उनको फिर अस्पताल लेके गए थे, बट रास्ते में ही ब्रॉड डेड होता। अभी तक यहाँ पे 11 बॉडीज यहाँ पे मार्चरी में है और सारे महिलाएं और बच्चियाँ हैं और 2 की हालत वहाँ गंभीर बताया जा रहा है। आने के बाद सर यहाँ पे जो कुछ परिजन थे, एक आदमी बताया कि वो 2 घंटे तक लगातार एम्बुलेंस ट्राई करते लेकिन सरकारी एम्बुलेंस नहीं मिली। मौके पर पुलिस पहुँची है, पुलिस अपनी गाड़ियों से ले गई। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही है। नहीं, वो जांच का विषय है। पहले तो हम पहले घटना को देख लें, लोग जो घायल है और जो वहाँ का जो काम है उसको देख लें। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी क्लोज नहीं किया गया, उसके बाद जिनकी भी अगर लापरवाही है उसकी जाँच करके कार्रवाई की जाएगी और जो मृतक परिजन है उनको हर एक मृतक को 4 लाख रुपये का राहत आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। ठीक, यहाँ तो 11 है, वहाँ 11-2 की हालत खराब। जब कंफर्म होके आ जाएगा तब हम बता। अच्छा, वहाँ सुविधा नहीं है? यहाँ नहीं। अच्छा, वहाँ पे 100 बॉडी? वहाँ मैंने देखा नहीं, वहाँ पैसे आने दिए। अच्छा, नोट कर लेंगे बाबा, तो फिर उठा लेंगे। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, आप सच देखेगा अंडमान।